आज के समाचार के मुख्य प्रायोजक हैं दरभंगा किसान आनंद भोग आटा। नमस्कार, सी टीवी मिथिला में आपका स्वागत है। खबर की शुरुआत करते हैं दरभंगा से। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की घटना के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कल्याण आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने बिहार सरकार कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस विद्यालय के साफ सफाई और शैक्षणिक व्यवस्था की तारीफ की तथा बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर दिए खास निर्देश। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की घटना से चौकन्ना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आज दरभंगा जिले के सदर प्रखंड स्थित राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय का निरीक्षण करते हुए परिसर व छात्रावास रसोई आदि की साफ सफाई और शैक्षणिक व्यवस्था की तारीफ भी की। दरअसल यह विद्यालय बिहार सरकार कल्याण विभाग के द्वारा संचालित विद्यालय है, जिसका निरीक्षण करने दरभंगा के जिलाधिकारी 10:20 में विद्यालय में दाखिल हुए और तकरीबन 2 घंटे तक स्कूल का निरीक्षण करते हुए वहाँ की छात्राओं की समस्या से रूबरू हुए और छात्राओं को भरोसा दिलाया कि वहाँ की जो भी वर्तमान समस्या है उसे शीघ्र ही दूर किया जाएगा। दूसरी तरफ जिलाधिकारी ने स्कूल के प्रिंसिपल से बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी लेते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। वहीं विद्यालय के गेट के बगल में चहरदीवारी से सटे झोपड़ी डालकर रह रहे लोगों को 24 घंटे में हटाने का निर्देश दिया गया। वहीं छात्रा राजनंदिनी कुमारी ने कहा कि हमें कठिनाई बहुत है, बिल्डिंग में पढ़ने के लिए भी क्लास नहीं है, समस्या होती है, हम लोग सही से नहीं रह नहीं पाते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, ऊपर से छत टूट कर गिरते हैं, पानी भी टपकता है, हर समय डर लगा हुआ रहता है। शिकायत करने की बात पर कहा कि जितने पदाधिकारी आते हैं उन सब से हम लोग कहते हैं, सब आश्वासन देकर चले जाते हैं। आज डीएम साहब भी आए थे, उनको भी बोले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द हो जाएगा। ये बिल्डिंग की रहने की और पढ़ने की ये खेलने की ये समस्या होती है, हम लोग सही से रह नहीं पाते, हर वक्त यही डर रहता है जो कहीं कहीं कुछ एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो गया तो फिर एक्सीडेंट होती है यहाँ पे। हाँ, वही ऊपर टूटे गिरता है और पानी से टूटे रहता है, डर लगा रहता है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी की है? हाँ की है, जितने आते हैं सबके पास करते हैं हम लोग, लेकिन सब नहीं, सब इग्नोर करके चले जाते हैं। आज डीएम साहब आपके यहाँ विजिट किया है, क्या आश्वासन मिला? हम बोले हैं जो करेंगे हम करेंगे। शिक्षक मनीष कुमार ने बताया कि विद्यालय में संसाधन कम है, रूम का अभाव है, जगह कम होने के कारण बच्ची जो एक बेड पर तीन तीन हो कर रहकर सोना पड़ रहा है, पढ़ने के लिए जो क्लासरूम है क्लासरूम होना चाहिए वह भी नहीं है, जिसके कारण बरामदा पर पढ़ना पड़ता है। आज समाधान हेतु जिलाधिकारी सर को बोले हैं, उन्होंने कहा कि बाढ़ पोखर पर नया भवन बन रहा है, अर्ध निर्मित है, जल्द उसको बनवाकर तैयार किया जाएगा और वहां शिफ्ट किया जाएगा। यहां पर एक कमी जो है, संसाधन कम है, रूम का कम अभाव है, जगह कम होने के कारण एक बच्ची जो है एक बेड पर दो दो, जहां पर एक बच्ची को सोना चाहिए वहां दो दो तीन तीन सोती है, ये जो है। और यहां जो पढ़ाने के लिए कमरा होनी चाहिए, सो बरंडा पे क्लास चलती है। समाधान हेतु सर ने क्या बताया? समाधान हेतु सर ने बोले हैं कि यहाँ इनका मकान बन रहा है बाढ़ पोखर पर, जो अभी अर्ध निर्मित है, उसको जल्द से जल्द तैयार किया जाएगा। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि विद्यालय कल्याण विभाग के द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय है, उसका निरीक्षण किया गया है, इसमें मुख्य समस्या भवन की है, भवन अस्थायी है, ये भवन ट्राइसन
के द्वारा भवन दिया गया है। इस विद्यालय का अपना भवन निर्माणाधीन है, उसमें कुछ समस्या आ गई थी जिसके कारण भवन का काम पूरा नहीं हुआ है। अब जल्द भवन को तैयार करवाने के लिए आवंटन लिए के लिए भेजा गया है। हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द वह भवन मिल जाए और बच्चे वहां शिफ्ट हो जाए। वहीं छात्राओं को उपलब्ध कराए जाने वाले सामग्री आपूर्ति में छात्राओं ने शिकायत दर्ज कराया, जिस पर दरभंगा जिलाधिकारी ने अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आपूर्ति हो रहे सामानों की गुणवत्ता की जांच की जाए, यदि गड़बड़ी हो तो तुरंत संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाए। वहीं छात्राओं ने शिक्षक की कमी होने की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षक की कमी है, 12 शिक्षक की नियुक्ति यहां पर है लेकिन 7 शिक्षक यहां कार्य कर रहे हैं, शिक्षक की कमी को भी जल्द दूर कर लिया जाएगा। ये कल्याण विभाग का बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय है, तो उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है और उसमें मुख्य समस्या जो है भवन की है। भवन चूंकि अस्थायी रूप से ट्राइसेम का भवन है, इसमें चल रहा है ये, और इसका भवन निर्माणाधीन है, उसमें कुछ समस्या आ गई थी, वो अभी अपूर्ण है और उसको पूर्ण कराने के लिए रिक्विजिशन भी भेजा गया है आवंटन के लिए। उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी आए और पूर्ण हो जाए और उसमें बच्चे शिफ्ट हो जाएं। यहाँ बच्चों की संख्या अधिक है और उसके हिसाब से स्पेस कम है, तो कुछ समस्याएं हैं आवासन की और कुछ भवन जो जर्जर है उसका भी मरम्मती का इशू है, तो उसको मरम्मती भी हम लोग यथाशीघ्र कराएंगे। इसके साथ साथ कुछ जो सामग्री आपूर्ति की गई है उसमें भी बच्चियों ने कंप्लेन किया है, विशेषकर बेडशीट और तौलिया चप्पल वगैरह का, तो वो भी विकास आयुक्त महोदय को निर्देश दिया गया है कि वो जांच करके प्रतिवेदन देंगे और जो निर्धारित मानक है, जो गुणवत्ता है, वो उपलब्ध कराया जाए, ऐसा निर्देशित किया गया है, और अगर घटिया गुणवत्ता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों की कमी है, 12 सैंक्शन पोस्ट है शिक्षकों की, उसमें से अभी 7 कार्यरत हैं, उसमें से भी 4 जो डेपुटेशन पर हैं और 3 कल्याण विभाग से हैं, तो और हम लोग डेपुटेशन करेंगे। कुछ शिक्षकों को इस आधार पर यहाँ से हटाया गया था कि एक ही परिवार के घर खानदान के लोग हैं, तो उनका था कि बच्चियों का था कि नहीं, वो लोग बहुत अच्छा पढ़ाते थे और रिजल्ट भी विद्यालय का बहुत अच्छा पिछले 2-3 सालों से आ रहा है, तो उनकी डिमांड थी, तो हम लोग देख रहे हैं उसको, नियमानुसार जो होगा उसको करेंगे, उपलब्ध कराएंगे। सर जो ये अभी जो अंदर का इनका गेट है वो तो है, लेकिन बाहर बाउंड्री का गेट टूटा हुआ है, उसको हम लोगों ने कहा है कि गेट को बनवाएंगे अविलंब और उसको सुरक्षित कराएंगे पूरी तरह से। दरभंगा मंडल कारा और बेनीपुर उपकारा में जिला प्रशासन ने की छापेमारी। लगभग 2 घंटे चली इस छापेमारी में चाकू, गांजा, मोबाइल बरामद किया गया। दरभंगा मंडल कारा और बेनीपुर उपकारा में आज अचानक जिला प्रशासन ने छापा मारा तो हड़कंप मच गया। दरभंगा मंडल कारा के छापेमारी में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, SSP मनोज कुमार, सदर DSP अनोज कुमार समेत कई अन्य अधिकारी इस छापेमारी में कार्रवाई में शामिल थे। इधर बेनीपुर उपकारा के छापेमारी में बेनीपुर SDO और DSP उमेश्वर चौधरी सहित कई थाने की पुलिस शामिल थे। छापेमारी दिन के करीब 11:30 पर शुरू हुई जो 1:15 तक चली, जिसमें बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया। करीब 1:30 प्रशासन की ये कार्रवाई चली। इस तलाशी अभियान में एक मोबाइल, एक चाकू, मैगजीन पर लिखे कई मोबाइल नंबर सहित गांजा को भी बरामद किया गया। वहीं छापेमारी के बाद दरभंगा के SSP मनोज कुमार ने कहा कि सभी थाना अध्यक्ष, हर थाना से अन्य पदाधिकारी, करीब 80 पदाधिकारी के नेतृत्व में 150 जवान और डिप्टी SP सीनियर SP जिला पदाधिकारी के द्वारा छापेमारी की गई। साथ में ही बेनीपुर जेल की भी छापेमारी की गई, जिसमें SDO और DSP के नेतृत्व में हुआ। करीब 80 पदाधिकारियों के नेतृत्व में 150 जवान और DSP सीनियर SP जिला पदाधिकारी सभी के द्वारा छापेमारी की गई और सघन रूप से छापामारी की गई, जिसमें साथ में बेनीपुर जेल का भी छापामारी वहाँ पर DSP और SDO के नेतृत्व में हुआ। कुल मिलाकर के जो आपत्तिजनक सामग्री मिले हैं, इसमें एक चाकू है, एक मोबाइल है और 1 दर्जन गांजे की पुड़िया है और 1 दर्जन मैगजीन। मैगजीन को जब हम लोग पलटा है तो उसमें कई मोबाइल नंबर लिखे पाए गए हैं, हम लोग उसका अनुसंधान करेंगे
कि इन नंबरों पर जेल से किसने बात किया, कांड एक ही दर्ज किया जाएगा लेकिन हम लोग गहन अनुसंधान करेंगे। वही जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि हम होम सिक्योरिटी के निर्देशानुसार आज पूरे बिहार में सभी जिले में रेड किया गया। एक जिला का दूसरा बेनीपुर अनुमंडल स्तरीय दोनों में रेड हुआ। वहां एसडीओ और एसडीपीओ किए हैं, यहां हम लोग ने किया है। बेनीपुर में एक मोबाइल, एक चाकू और आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। वहीं दरभंगा जेल से गांजा और मैगजीन पर मोबाइल नंबर बहुत सारा लिखा हुआ बरामद हुआ है। होम सेक्रेटरी महोदय के निर्देशानुसार आज पूरे बिहार में सभी जेलों में रेड किया गया है। तो हम लोगों के यहाँ भी जो दो महत्वपूर्ण जेल हैं, एक जिला का और दूसरा बेनीपुर में अनुमंडल स्तरीय, तो उन दोनों में रेड हुआ है। वहाँ एसडीओ और एसडीपीओ किए हैं और यहाँ हम लोगों ने किया है जिला में, और एसडीओ एसडीपीओ भी उपस्थित थे। बेनीपुर में एक मोबाइल और एक चाकू और पाया गया इस तरह से आपत्तिजनक सामग्री। यहाँ गांजा और मैगजीन और मोबाइल नंबर लिखा हुआ बहुत सारा पेपर पाया गया है। यहाँ से मोबाइल कोई प्राप्त नहीं हुआ है, सघन चेकिंग हम लोग कराए हैं। मधुबनी मंडल कारा में जिला प्रशासन डीएम एवं एसपी ने की छापेमारी, जिसमें कई प्रतिबंधित सामान मोबाइल, गांजा, बीड़ी एवं रुपये बरामद किए गए। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में आईटीआई की एग्जाम रद्द करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखा जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि क्वेश्चन पेपर वायरल होने के मामले की सीआईडी जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। परसों जो है क्या बजे हम लोग को आना है? देखिए, हमने कहा कि आज पूरे देश के अंदर ये एग्जामिनेशन हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार ने जिस शक्ति के साथ आईटीआई का एग्जामिनेशन ले रहा है, उसमें जो खामी गड़बड़ी है वो उभर करके आ रहा है। अब फर्जीवाड़ा करने वाले आउट होंगे और उनका सारा भेद खुल रहा है और हम लोग इसको रद्द करने के लिए भारत सरकार को लिखेंगे। सर, क्या जाँच की बात अभी कुछ और आपने बात? अभी हमने सीआईडी से भी जाँच करवाएंगे और जो इसमें क्वेश्चन आउट करने में लगे हुए हैं, किस स्तर पर आउट हुआ है, बैंक के स्तर पर, ऊपर से, या कौन सा माफिया तंत्र लगा हुआ है, उन सब पर हम कार्रवाई करेंगे। दरभंगा के एसएसपी के द्वारा क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के सभी थानाध्यक्ष सहित पुलिस महकमे के कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक में एसएसपी ने निर्देश करते हुए सभी थाना प्रभारियों से कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर अपने क्षेत्रों में शांति बनाए रखें तथा फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी में तेजी लाए। इसमें है जो लीव अप्लाई करने के लिए कागज की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी पर लीव अप्लाई करिए, उसी पर अप्रूवल होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जिंदगी ठीक रहे। थाना पर है तो हमको ये पता है, कई एक ऑफिसर है ना, मर्जी करके देखिए, समझा दीजिए, जो नाम पड़ेगा, जो लोग को दौड़ाना पड़ेगा, हर ऑपरेशन होता है, मोटरसाइकिल भत्ता देता है तो मोटरसाइकिल ले जाएगा, लेकिन उसके देखिए फुल सिग्नेचर कर रहा है कि नहीं, नाम इनिशियल कर रहा है तो नीचे नाम लिखिए, मोदी कर लिया या दस्ती कर लिया, उसका भाग क्यों भाग जाएंगे, वो भाग जाता है, इसलिए केस पेंडिंग रह जाता है। आप उनको टास्क दीजिए ना भाई, फला फला कैसे डाले चाहिए, नहीं चाहिए तो आपका वेतन बंद करा, आपका पावर है तो उसका यूज करिए, नौकरी मत करवाइए फालतू का। आपकी भलमनसी से उसका तो कल्याण होना है, लेकिन जिस काम के लिए वो आदमी है उस जनता का कल्याण नहीं होगा। अब दूसरे साल नौकरी, अरे झारखंड में तो जितना भी आपके अलावा सब 2 साल 3 साल 4 साल का है, तो पूरा जिला ही कृपा पर चल रहा है। बहुत ऐसे लोग इसको नहीं आता है, तो से समझाना पड़ता है, बताना। टेम्पो से शराब की डिलीवरी करने जा रहे एक व्यक्ति को उत्पाद विभाग द्वारा 262 बोतल विदेशी शराब के साथ किया गया गिरफ्तार। कहने को तो बिहार में शराबबंदी पूरी तरह लागू है और यह पुलिस की फाइलों में व प्रशासनिक दावा है, मगर सच्चाई यही है कि आज भी शराब की बिक्री हर स्तर पर हो रही है
शुरुआत के दिनों में इसके धंधेबाज सीमित हुआ करते थे, मगर अब हर उम्र के लोग इस धंधे में मालामाल होने की फिराक में लगे हैं। पुलिस भी इसके खिलाफ कार्रवाई में लगी हुई है, मगर शराब की बिक्री पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। इसी कड़ी में आज उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली कि समस्तीपुर की ओर से एक टेम्पो शराब लादकर आ रही है। सूचना के आधार पर उत्पाद अधीक्षक ने एक टीम बनाई और सड़क पर अपना जाल बिछा दिया और सैद नगर में आ रही टेम्पो को शक के आधार पर रोक कर जब तलाशी ली गई तो उसमें से 262 विदेशी बोतल शराब बरामद किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उत्पाद अधीक्षक गणेश प्रसाद ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम बनाकर ये कार्रवाई की गई। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई में एक टेम्पो से 262 विदेशी शराब की बोतल बरामद हुई। इस कार्रवाई में एक टेम्पो सहित एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर हमको गुप्त सूचना मिली थी, इसके आधार पर हम टीम बनाए। उसमें जो है श्री सुरेश राम, अजय कुमार और विजय चौधरी की टीम, टून एवं टुनटुन पासवान के टीम को बनाकर हम भेजे। उसी क्रम में एक टेम्पो पर 4 बोरा में 262-375 ml का पंजाब में बेचने हो शराब पकड़ा गया है और उसके पंजाब निर्मित पंजाब में बेचने योग्य चुना निर्मित कहीं भी हो सकता है, समझे ना। पकड़ा गया है और उसे एक अभियुक्त भी पकड़ा गया है। उससे आगे की कार्रवाई के लिए उसे पूछताछ करेंगे, विस्तृत जानकारी की जा रही है। विस्तृत जानकारी के बाद और इसे आगे की कार्रवाई की जाएगी। टेम्पो भी पकड़ा है। मधुबनी जिला के जयनगर कमला नदी कुट्टी मंदिर के समीप लदनिया थाना निवासी विवेक कुमार पासवान नामक व्यक्ति की मौत हो गई। लास्ट जो मिली है इसके बारे में हम लोग का तो टाइमिंग है 12 बजे के बाद हम लोग यहाँ पे हैं। बड़ा कमेटी का लड़का लोग था वो, हम अभी नहीं पहुँचे थे। इसी बीच में पता चला कि कोई लाश डूब गया, कोई आदमी डूब गया। हम लोग दौड़ के आए हैं, पता किए हैं तो देखे हैं कि लाश निकल रहा था। दो 4 लड़का था, हम लोग नहीं पहचाने हैं। तो लोग उसको बाहर से अंदर किया है, साइड में लगाया है। तो उसके पास एक मोबाइल था जी, आंतरिक जी आए हैं थाना से ऐसा ही। हम लोग सब जगह फ़ोन किए हैं, क्राइम ब्रांच मधुबनी का भी लड़का लोग आया था, उन लोग भी फ़ोन किया है। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ उसके मोबाइल को चेक किए हैं, मोबाइल में कॉल आया है। उसी कॉल को हम लोग SI साहब के मोबाइल से ही रिटर्न किए। रिटर्न करने के बाद वो पता चला कि वो हिमाचल का नंबर है। तो उससे पूछे कि भाई आप कौन है, तो डरने लगा। पहले डरा है, बाद में रोने लगा, बताया कि मेरे भाई हैं। और उन्हीं से हम लोग सारा डिटेल लिए हैं और उसके आधार पर हम लोग अभी कर रहे हैं, देखिए आगे। अच्छा, डिटेल में पता कहाँ से चला कि ये लड़का है कहाँ का? उसी लड़का से चला है जिसका फ़ोन आया था, उसी के फ़ोन से पता चला कि उसका नाम विवेक पासवान है, पिता का नाम राजकुमार पासवान है ना। उसका घर जो है सो खाड़ी धर्मभवन खाजे जी है लदनिया है ना। उसके बाद मुखिया जी बात किए हैं, सबको बात किए हैं, तो बताया है कि डिटेल पता करके आपको बता रहे हैं। घर का नंबर नहीं बताया है लेकिन एड्रेस बता दिया। अच्छा, मुझे आप भी कुछ जानकारी देंगे इस विषय में? ये क्या वही है, नीलों के माध्यम मुझे जानकारी मिली, जयनगर में थे। जयनगर के में मालूम होने के बाद में हमने थाना में इंफॉर्मेशन बराबू को दिए। बराबू जी द्वारा बताया गया कि मुखिया जी रामप्रीत बाबू को हमने कहा है जा रहे हैं, गाड़ी वाहन चेकिंग में है, जो आप जा करके अभी देख लीजिए, ऑपरेशन कीजिए वहाँ जाके। यहाँ आने के बाद में खुला लाश देखा हमने, जवाजिश की तरह यहाँ पर पड़ा हुआ है। हाँ, उसी समय इनका मोबाइल का सिम दूसरे मोबाइल में लगा करके लगाने के क्रम में इनका फ़ोन आया है कहीं से। फ़ोन आने के बाद में इनका जो घर का पता है वो पता चला है, तो बताया गया कि इनका नाम विवेक कुमार पासवान है, पिताजी का नाम श्री राम राजकुमार पासवान है, घर धर्मभून खाड़ी है और थाना लदनिया है। तो उसी के हिसाब से हम लोग कोऑपरेशन भावना से यहाँ पे हैं। इनका यदि घर का लोग आता है
हम लोग सहयोग करेंगे, जो जैसे बात हुआ बात करने के बाद कैसे हुआ नहीं हुआ पूरा डिटेल मालूम है। अच्छा मुखिया जी बताएंगे ये जो घटना हुआ है, मतलब जो है कि उसे तैरने नहीं आ रहा था उसके कारण हुआ है कि देखा जाए क्योंकि लोकल लड़का तो है नहीं, दूसरे थाने का है, हम लोग जान पहचान वाले में से कोई इनको जान भी नहीं रहे, जो हम लोग जानेंगे तैरने नहीं आता है या नहीं आता है या आता है ये चीज़ हम कन्फर्म नहीं बताएंगे। जानकारी गमला नदी मधुबनी जिला के जयनगर बोलबम सेवा समिति के द्वारा कुमार सिंह चौक पर कांवड़िया स्पेशलिस्ट के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। लंगर का उद्घाटन मधुबनी के विधायक सुमन महासेठ एवं जयनगर प्रमुख सचिन सिंह ने किया। भारतीय जनता पार्टी से लोकल बनी जो पूरे मधुबनी जिले का जयनगर से गंगा नदी से धन्यवाद देता हूँ और स्थान प्रशंसा करता हूँ। वहाँ जल जलाभिषेक करते हैं तो बहुत सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए, खास करके हम लोग ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ लोग ढेर सारे श्रद्धालु आते हैं, यहाँ जल उठाते हैं, सेवा करने का जो मौका हम लोगों को मिलता है बहुत ही सौभाग्य। सर आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम सचिन सिंह है, प्रखंड प्रमुख है। वो कपिल मुनि के आश्रम में कपिलेश्वर में जाकर जल बोधन करते हैं और इस कार्यक्रम में पूरे अपने हिंदू धर्म के आस्था के प्रतीक बाबा शंकर का एक जो अपना संस्कृति के आधार पर पूरा देश में जो एक एकता का समानता है कि कोई भी रहे पूरा समाज अपना है, वसुधैव कुटुंबकम का हम लोग भी जब अपने जिला से बाहर जब जाते हैं उससे सीख ले करके इस छोटे से शहर में पिछले 10 वर्ष में जय भोले लंगर समिति ने इस काम को प्रारंभ किया है। हम भी लगातार पिछले 4 साल से इस लंगर में एक गिलहरी बनकर इस काम में हम लगते हैं। मैं पूरे कमेटी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, साथ ही यहाँ के समाज के लोग भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जानकारी देना चाहेंगे आज जो लंगर है लंगर की कमरिया के सेवा में लोग लगे हुए हैं, उचित व्यवस्था नहीं रहा। मिलत कॉलेज दरभंगा में अंतर विद्यालय टेबल टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन माननीय प्रति कुलपति प्रोफेसर जय गोपाल द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने 8 कॉलेज से आए हुए प्रतिभागियों एवं खेल पदाधिकारी को धन्यवाद दिया। नहीं सर एक मिनट खेल टेबल टेनिस में हम और ऊपर जाएं, इसलिए मैंने बच्चों को कहा कि अच्छे से खेलें और भी कॉलेज के बच्चे इसमें आएं भाग लें और हम चाहते हैं कि कॉलेज में से अच्छे बच्चे निकाल के एक यूनिवर्सिटी की एक अच्छी टीम बनाई जाए और मिथिला यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करे इंटर यूनिवर्सिटी में टेबल टेनिस के खेल में। और कोई भी स्पोर्ट्स हो सेहत के लिए अच्छा है और टेबल टेनिस एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें क्विक एक्शन चाहिए, इसमें फिजिकल एक्सरसाइज भी है और माइंड भी चाहिए और इसमें टैक्स भी चाहिए, इंटेलिजेंस भी चाहिए। मुझे पूरी आशा है, मैं विश्वविद्यालय का आभार प्रकट करना चाहता हूँ महाविद्यालय परिवार की ओर से, उन्होंने इस महाविद्यालय को इस टूर्नामेंट के लिए चयन किया। मैं और पूरा महाविद्यालय परिवार इसके लिए विश्वविद्यालय का आभार। किन किन कॉलेज से होंगे सर? इसमें आरके कॉलेज मधुबनी से आए हैं बच्चे, बेगूसराय से आए हैं, समस्तीपुर से बच्चे आए हैं, करीब करीब 15 टीम से ज़्यादा टीम आई है। ये कब तक चलेगा सर? ये कल समापन समारोह है इसका, 2 दिन का टूर्नामेंट है, 2 दिन चलेगा। कितने प्रतिभागी इसमें चले? इसमें लगभग अभी तक जो उन्होंने दर्ज कराया 15 टीमें आ चुकी हैं, मुझे आशा है कि अब तक और ज़्यादा टीम आ चुके होंगे, 20 से ज़्यादा टीमें भाग लेने में। इंटर कॉलेज टेबल टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह हुआ। उद्घाटन समारोह में प्रोफेसर जय गोपाल प्रो वाइस चांसलर मिथिला यूनिवर्सिटी ने आकर
इस प्रोग्राम का आगाज़ किया और इस मौके पे दूर दराज से कॉलेज से टेबल टेनिस के खिलाड़ी और स्पोर्ट्स इंचार्ज आए हुए थे। सभी लोगों की भागीदारी यहाँ पर रही, सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया गया कि एक ऐसे दौर के अंदर में जब टेबल टेनिस ख़त्म होने के कगार पे है, ऐसे हालात में 8 टीमों ने आकर तकरीबन 40-42 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें बिल्कुल आधा लड़का और आधी लड़की यहाँ पे मौजूद हैं। सबों के बीच में स्पोर्ट स्टार्ट हो गया है। कितनी पाली में चलेगी ये? नॉकआउट पर होगा और हमको लगता है कि जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको एक नंबर दिया जाएगा, उसके बाद इसको दूसरे नंबर पे और तीसरा को तीसरे नंबर पे। इसी तरह लड़कियों के अंदर में जो लड़कियां सबसे अच्छा करेंगी उसको फर्स्ट पोजीशन, जो सेकंड और सिक्स पोजीशन और थर्ड पोजीशन में लाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी लड़कों से 8 लड़कों का चयन करना है 1 से 8 तक, और लड़कियों में 8 आदमी का चयन करना है 1 से 8 तक। ये 16 बच्चे जो चयन होंगे उनको कल 12 तारीख को 12:30 बजे दिन में माननीय कुलपति महोदय ने आश्वासन दिया है कि वो अपने हाथों से आकर इन बच्चों को इनाम तकसीम करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झंझारपुर के द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई ललित नारायण जनता महाविद्यालय झंझारपुर में हुई इस अभियान में जिला संयोजक गीतेश झा ने सर्वप्रथम सदस्यता ग्रहण किया। दरभंगा में अशोक पेपर मिल चालू करो नहीं तो किसान की जमीन वापस करो की मांग को लेकर माले ने अशोक पेपर मिल के प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की। अशोक पेपर मिल चालू करो, नहीं तो किसानों की जमीन पेपर मिल को चालू करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, एपीएम के कैंपस में हम लोग धरना दे रहे हैं और हमारी मांग है कि अशोक पेपर मिल को चालू करिए, नहीं तो किसानों की ज़मीन को लौटा दीजिए। किंतु बिहार की जो सरकार है, देश की जो सरकार है, उसकी औद्योगिक नीति ऐसी है कि वह बेरोजगारी पैदा करने के काम कर रहा है। उत्तर बिहार में जितना उद्योग धंधा था वो सब बंद पड़ गया। यहाँ अशोक पेपर मिल बंद हो गया, वहाँ सकरी लोहर तमाम जो चीनी मिल था उसको बंद कर दिया गया, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे शहर के अंदर में खड़ा किए गए थे वो सब बंद कर गया। इस तरह से मजदूरों को बेरोजगारी की राह पर धकेल दिया जा रहा है सरकार की गलत नीतियों की वजह से। इसलिए हम लोग इसके मांग खोलने के लिए कर रहे हैं ताकि मजदूरों को इसमें काम मिले। लेकिन देखा यही पड़ता है कि सरकार की क्या नीति है, इसको वो चालू करना चाहती है या कि उसको बंद करना चाहती है, इसका फैसला का कहीं कोई अता पता नहीं चलता। यहाँ का जो सांसद है, यहाँ का जो विधायक है, यहाँ का जिला परिषद का जो लोग हैं, यहाँ तक कि तमाम जो पार्टियां हैं उसका भी इस पर कोई रुख नहीं है, सब चुप्पी मारे हुए हैं। इसलिए भाकपा माले ने इस आवाज को उठा करके इस पर अंतिम कोई फैसला लेने के लिए सरकार को मजबूर करेगा और ये आंदोलन इस इलाके के मजदूरों को एक नौकरी देने, एक रोजगार देने के दिशा में एक बड़े आंदोलन को खड़ा करने में सहायक होगा। हायाघाट प्रखंड कमेटी भाकपा माले द्वारा अनिश्चितकालीन घेरा डालो देरा डालो कार्यक्रम के दौरान हम लोग आंदोलन चला रहा है और आंदोलन के माध्यम से नीतीश मोदी सरकार जिला प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं। भाकपा माले ने नारा दिया है कि अशोक पेपर मिल को चालू करो नहीं तो किसान को जमीन को वापस करो, इस नारा के तहत हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं। दूसरी बात हमारा कहना है कि कई दशक बाद अशोक पेपर मिल बंद पड़ा है और यहाँ के जो इलाका मझलिया है, टुकरोलिया है, ग्रहा है, सिरनिया है, इनमाइट है, हायाघाट, बलहा,
चारों तरफ यहाँ के किसानों के जमीन को पेपर मिल के नाम पर आपको सीज कर लिया गया, ले लिया गया और हर एक परिवार को नौकरी दे दिया गया। लेकिन आज के हालात में जमीन भी सीज कर लिया गया और पेपर मिल बंद होने से नौकरी भी समाप्त हो गया और यहाँ के जो मजदूर किसान नौकरी लगा हुआ था सब लोग आज परिवार को भरण पोषण किसी तरह करने के लिए दिल्ली पंजाब में जैसे अपना कमा रहा है, किसी तरह धन रोपनी करके लोग गुजर कर रहा है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं, 3 दिन का अल्टीमेटम हम लोग जिला प्रशासन और अनुमंडला पदाधिकारी को लिख के दे दिया है और हम लोग ये आंदोलन के माध्यम से हमारा घोषणा हम लोग हयाघाट प्रखंड कमेटी के लोग करते हैं कि 27 सितंबर को भाकपा माले का पटना में लोकतंत्र भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ रैली से लौटने के बाद अगर 5 अक्टूबर तक 30 सितंबर तक अगर सरकार नीतीश सरकार जिला प्रशासन पेपर मिल के बारे में पेपर मिल के इलाका के मजदूर किसान को सवालों पर अगर ठोस कार्रवाई नहीं करता है नहीं करती है तो भाकपा माले हयाघाट प्रखंड कमेटी 5 अक्टूबर से इलाका के गरीबों को गोलबंद करके इलाका के किसानों को गोलबंद करके इलाका पेपर मिल के जमीन पर घर बना दिया जाएगा, गरीब को बसाने का काम करेगा, किसानों को बसाने का। सी टीवी मिथिला के पूरी टीम के साथ विदा लेती हूँ, नमस्कार। वो सबका ख्याल रखती है, हर कदम पे साथ निभाती है, जिंदगी को खुशियों से सजाती है और अपने सपने भी सच करना चाहती है। ये है आज की नारी, सर्वगुण संपन्न, जैसे आनंद भोग आटा, बेहतरीन गेहूं से बना, घर में पिसे आटे जैसा शुद्ध, सेहतमंद और स्वादिष्ट। आनंद भोग आटा है सर्वगुण संपन्न। सेंट्रल पब्लिक स्कूल बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पता BMP 13 सोनकी रोड दरभंगा एवं दूसरा पता सत्संग नगर भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। यहाँ कंप्यूटर क्लास, चांसलर, डांस, म्यूजिक, खेल, ट्रांसपोर्ट, पीने योग्य पानी और CCTV कैमरे की व्यवस्था है। यहाँ हॉस्टल की सुसज्जित सुविधा है। संपर्क करें फर्स्ट ब्रांच BMP 13 सोनकी रोड और सेकेंड ब्रांच भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। फैंसी स्टोर एंड बसीर बेल्ट बैग हाउस। यहां सभी प्रकार के बैग, बेल्ट, टोपी, चश्मा, घड़ी, लेडीज एंड जेंट्स पर्स, रुमाल, चाबी, रिंग होलसेल रेट में मिलती है और यहां सभी तरह के गिफ्ट, कैरम बोर्ड, बैट बॉल एवं खेल संबंधित सारे सामान भी होलसेल रेट में मिलती है। पहला पता सुभाष चौक टावर दरभंगा, दूसरा पता नाका नंबर 5 नेशनल सिनेमा रोड दरभंगा। कॉन्टेक्ट करें 8709060573।